प्रश्न वाली 4.3 का अब अपन चौथा सवाल करेंगे। चौथा सवाल करेंगे। चौथा सवाल है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ अपन समझेंगे व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, जैसे कि x लिखा है तो x का उल्टा क्या होगा, 1/x, इस तरीके से होता है। अपन पहले देखेंगे सवाल, इसमें क्या दिया, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, मतलब किसकी, रहमान की। तो अपन यहाँ पर देखेंगे सर्वप्रथम हल, माना की रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो लिखेंगे प्रश्न अनुसार, क्या कह रहे हैं, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो 1/3 व्युत्क्रम है, तो अपन लिखेंगे 1/3 वर्ष पूर्व, इसलिए x माइनस टी, और अब से पांच वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम, आज का 5 वर्ष बाद के व्युत्क्रम क्या होगा, x प्लस 1। क्या दिया है, योग, योग मतलब प्लस लगा देंगे बीच में, बराबर कितना है, 1/3। अब यहाँ पे अपना कौन सा चिन्ह है इन दोनों के बीच में, प्लस का, कौन सा गुणा होगा, त्रिया गुणा, x प्लस 5 का वन में करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1 का 5 में 5, प्लस के बीच में प्लस लगाएंगे, x का 1 में तो x माइनस 3 का 1 में 3 एकम 3 बटे, अब यहाँ से x का x में करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का प्लस 5 में करेंगे तो प्लस के 5x, अब माइनस 3 का x में करेंगे तो माइनस के 3x, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस टी 5 15 बराबर 1/3। अब यहाँ x और x, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस हो जाएंगे x और x 2x, ये प्लस का है और ये माइनस का है तो घटा देंगे, तो माइनस प्लस के बचेंगे यहाँ पर 5 में 3 जाएंगे 2/3 एक्स स्क्वायर, 5x में से 3x घटाएंगे, क्यों घटाएंगे, ये प्लस का और ये माइनस का, घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा प्लस के 2x माइनस 15 के 15 बराबर 1/3। अब इन दोनों के बीच में आ गया बराबर कैसे, तो अब हम कर करेंगे क्रॉस गुणा, तो क्रॉस गुणा करेंगे पहले इसका, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस 15 बराबर 3 का करेंगे इसमें, तो 3 × 6x प्लस 3 × 6, या तो कुछ चिन्ह लगा लो, यहाँ पर पक्षांतर कर लेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस 15, इस तरह आएगा माइनस के 6x और माइनस के 6 बराबर 0, ये हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 6x में से 2x जाएंगे तो माइनस के 4x बचेंगे, माइनस के क्या बचेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या 6x माइनस की, और यहाँ पर ये जुड़ जाएंगे, माइनस के 15 है और माइनस के 6x के ये प्लस हो जाएंगे, वो बस आ जाएंगे माइनस के 15 और 6 21 बराबर 0। अब इसको अपन गुणनखंड विधि से करेंगे, तो अपन गुणा करने को कितने आना चाहिए, यहाँ पर माइनस के 21x स्क्वायर प्लस या माइनस करो तो माइनस के 4x आना चाहिए, यहाँ पे अपने बीच में कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो इससे अपने निश्चित हो गया कि बड़ी संख्या किसकी लेना है, माइनस की, यहाँ से कौन सी संख्या है, 7 और 3, 7x और 3x, माइनस के 7x लेंगे और प्लस के 3x लेंगे, 7x में से 3x जाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस के 4x, और मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे तो माइनस के 21x² आ जाएंगे, ये हो गया अपना x² 2 देंगे इसको x²
यहाँ से अपना कॉमन आएगा x, x कॉमन लेंगे यहाँ से तो अंदर क्या आएगा x माइनस 7, यहाँ से प्लस की 3 कॉमन आएगी तो अंदर आएगा x माइनस 7 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 7 कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा अपना x प्लस 3 बराबर 0। याद तो करके लो, या तो x माइनस 7 बराबर 0, x बराबर आएगा अपना 7, या तो x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 3। इसको लिख देंगे छोड़ने पर, छोड़ने पर क्या लिखा, क्योंकि कभी भी आई रूप माइनस में नहीं हो सकती, अतः रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष होगी। ये आ गया अपना आंसर। इस प्रकार अपना चौथा सवाल कंप्लीट होगा।